राजधानी दिल्ली में आज सरकार के सभी स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया। ऐसा ही एक आयोजन राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सूरजमल बिहार में भी किया गया, जहां दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पहुंचकर बच्चों और पेरेंट्स के साथ मीटिंग की। जब बच्चों के साथ बात की तो उन्होंने इस स्कूल को लेकर बहुत ही खुशी जाहिर की, क्योंकि इस स्कूल के अंदर रोबोटिक सिस्टम भी सिखाया जाता है। वहीं फैशन डिजाइनिंग, फाइनेंस से जुड़ी हुई जानकारियां आदि को लेकर भी यहां पर क्लासेस होती है। मनीष सिसोदिया जब बच्चों से बात कर रहे थे तो काफी बच्चों ने बताया कि वह इस स्कूल की तारीफ सुनकर प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर यहां पर आए हैं, और परिजनों ने इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना एक सपना माना था, जिसको आज पूरा होते देख वह काफी खुश है। जब बच्चों एवं पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने अपनी खुशी ही मीडिया के माध्यम से बताई और कहा कि इस स्कूल को लेकर कितने खुश है वह शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वहीं छात्रों ने कहा कि उनका सर्वांगीण विकास इस स्कूल से संभव है, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट के अलावा शिक्षाएं दी जा रही है वह उनके जीवन को लेकर काफी आगे जाएंगे। सबसे पहली बात तो कहूँ, जब मैं स्कूल में आई तो मैं सोची थी इतने सारे सब्जेक्ट से कैसे हैंडल होंगे, पर पता लगा कि नहीं, यहाँ पर हमें मल्टी टास्किंग तो होना पड़ेगा। टाइम के साथ भी हमें टाइम अलॉट करने पड़ेंगे किस समय पर हमें क्या सब्जेक्ट करना है। थोड़ा सा हार्ड लगा स्टार्टिंग में, बट जब चलता रहा तो हमें पता लगा कि हमें न्यू एंड न्यू सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, हम अपनी लाइफ में और भी गो थ्रू कर सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म पे हम पे अपॉर्चुनिटी है कि हर जगह हम अपनी एक फील्ड बना सकते हैं, हम हर चीज़ के लिए मोटिवेट होते हैं। हमारे टीचर्स हर दिन हमें ये बोलते हैं कि तुम घबराओ मत, तुम्हारे पास जितना भी काम है तुम उसे घबराने की कोई तुम्हें ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट गो थ्रू इट, तुम लर्न कर रहे हो, लर्न करने में कोई ख़राबी नहीं होती, क्योंकि आपने भी पार पढ़ा होगा बैनर पे दैट टुमोरोज रीडर कैन बी फर्क तो बहुत ज़्यादा है। पहले क्या होता था कि मतलब कि सरकारी में फीस का सबसे पहले होता है, यहाँ पे इतना अच्छा स्कूल है, ऊपर से फीस भी नहीं देनी पड़ती, ऊपर से पैसे भी ईयरली मिलते हैं, तो फिर अच्छा ही लगेगा सबको। उसके बाद ये भी होता है कि सब्जेक्ट्स की वैरायटी, जैसे कि जितने भी अलग अलग एसएससीज हैं उनमें अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स भी होते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि फाइनेंस हो गया, फाइनेंस अकाउंट्स हो गया, उसके बाद फैशन डिज़ाइन हो गया, फैशन डिज़ाइन और कोडिंग हमारा अभी चल रहा है। हम लोगों ने फाइनेंस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और ग्राफिक डिज़ाइन अब तो ये ख़त्म कर दिया, ग्राफिक और प्रोडक्ट डिज़ाइन, और ऐसी दूसरे भी एसओसीज के स्कूल हैं, जैसे कि स्टेम वाले सब्जेक्ट्स, उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ है, उनमें रिपोर्टर बनाना, पॉलिटिशियन बनाना, इन सब चीज़ों के लिए सिखाते हैं। पहले के मुकाबले तो स्कूल बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन सर एक हमारी थोड़ी सी इक्विपमेंट है, तो पहले क्या था कि सिक्स के जो फिफ्थ में बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ के आते थे, वो सिक्स में इसमें एग्ज़ाम दे करके जो सरकारी स्कूल के गरीब बच्चे होते थे उनका एडमिशन हो जाता था। अब क्या है कि जब से एसओएस कर दिया ना, अब नाइन्थ से जो एग्ज़ाम हो करके और बच्चे और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के बच्चे आते हैं, प्राइवेट स्कूल में तो चलो पैसे वाले पढ़ते हैं, उनमें से बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, जो गरीब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं वो काफ़ी कम मात्रा में सेलेक्ट होते हैं, सिलेक्शन होते हैं उनकी। तो सर गवर्नमेंट से हमारी थोड़ी सी ये है कि जो सिक्स में प्रतिभा विकास के जो एग्ज़ाम होते थे वो ज़्यादा बेहतर था। रोल सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परविंदर है सर। परविंदर जी, आपके बच्चे स्कूल पढ़ते, क्या कितना फर्क पड़ता है? सर ऐसा है, ये जो स्कूल है, मैं दिल्ली सरकार को इस स्कूल के बारे में अधिक से बधाई देता हूँ, ये स्कूल बहुत ही बेहतर है। यहाँ पर जो है बच्चा जो है अपने टैलेंट से पेपर को पास करके खुद यहाँ पर आता है, ना कि कोई सिफारिश चलती है, ना कोई किसी ने मतलब कोई अधिकारी की किसी में कोई रिश्वत हो रही है कुछ है, ये जो है स्कूल ये अपनी मेहनत से जो है पास करके बच्चा यहाँ पर एडमिशन। बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरा बच्चा बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है, सरकार की बहुत अच्छी काफ़ी है। प्राइवेट में तो खैर ज़्यादा वो होता है, उससे सेम टू सेम अब ये प्राइवेट जैसा ही लग रहा है, जैसे हम अपने बच्चे को प्राइवेट में ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सारी वो मिल रही है यहाँ पर। दिल्ली के सारे स्कूल्स में आज मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है, और पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके हमारे टीचर्स बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, बच्चों का फ्यूचर शानदार बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है डिस्कस कर रहे हैं। ये खाली रिपोर्टिंग मीटिंग नहीं है, ये खाली एक दूसरे से मिलने की मीटिंग नहीं है, एक दूसरे के साथ में पेरेंट्स और टीचर्स हमारे मिलके आज बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे के फ्यूचर को और कैसे अच्छा बना सकते हैं। और मुझे खुशी है कि पूरे दिल्ली में लाखों पेरेंट्स उत्सव की तरह से अपने अपने बच्चों के स्कूलों में जा रहे हैं, त्यौहार के रूप में वहाँ मनाया जा रहा है और उनसे डिस्कस कर रहे हैं। जैसा आपने यहाँ भी देखा, हमारे स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं, बहुत सारे स्कूल तो प्राइवेट स्कूलों से भी बहुत बेहतर हो गए हैं। आज हम जिस स्कूल में खड़े हैं, यहाँ पे आईआईटी के साथ मिलके रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन कराया जा रहा है, तो आईआईटी के लोगों ने आके जब उनको रोबोट्स बनाने की ट्रेनिंग दी, उससे पहले ही हमारे बच्चे एक बेसिक मॉडल अपना रोबोट का बना के तैयार बैठे थे। लैब्स, लाइब्रेरीज बहुत शानदार हो गई हैं हमारे स्कूलों की, पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है।
तो यही अरविंद केजरीवाल जी का, मुख्यमंत्री जी का सपना है कि देश को नंबर वन बनाना है, और देश को नंबर वन बनाने का जो राजमार्ग है वो अच्छे स्कूलों से जाएगा, अच्छे कॉलेजों से जाएगा, शानदार एजुकेशन से जाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।